नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को धनतेरस की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गए और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए, लक्ष्मी जी से न रहा गया। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो, कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भर कर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो जय श्री मन्नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।